चैप्टर नंबर 6 एब्डोमेन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे एब्डोमिनल वॉल। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू। इसमें बताया गया है कि एब्डोमेन रीजन है ट्रंक का जो कि लाया करता है बिटवीन डायफ्राम अबव और पेल्विक इनलेट बिलो। ये बना होता है सॉफ्ट टिश्यूज का बोनी फ्रेगमेंट वर्क होता है और ये इंटैक्ट एब्डोमिनल वॉल एसेंशियल होती है सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट के लिए। कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम में हमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ब्लंट पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। ये प्रॉब्लम में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है जब तक फिजिशियन फील करे मेनी एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल वॉल। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ये स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन्स की टू वन अनदर एंड द एब्डोमिनल वॉल एसेंशियल होती है फॉर एक्यूरेट कंप्लीट डायग्नोसिस। सबसे पहले हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे। तो थोड़े से केज कवर करता है सारे या पार्ट ऑफ अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जैसे हमारे लिवर को, स्टमक, स्प्लीन, किडनीज को। एब्डोमिनल स्केलेटन में सबसे पहले लंबर वर्टिब्रा है, मार्जिन ऑफ द थोरेसिक केज और इलियक एंड प्यूबिक बोन एलिमेंट्स ऑफ द पेल्विस। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट साइट फॉर द एब्डोमिनल वॉल मसल्स और लिमिट करते हैं सपोर्ट फॉर द एब्डोमिनल ऑर्गन, लेकिन लिटिल डायरेक्ट प्रोटेक्शन उन ऑर्गन को देते हैं। सबसे पहले हम लंबर वर्टिब्रा देखें तो एनाटॉमी इसकी जो है हमने पहले चैप्टर 2 में पढ़ी थी। बॉडी हर लंबर वर्टिब्रा की मैसिव होती है और किडनी शेप की होती है और ये बेयर करती है ग्रेटर पार्ट ऑफ बॉडी का वेट। जो हमारी फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होती है ये आर्टिकुलेट करती है बेस ऑफ द सैक्रम एट द लंबोसैक्रल जॉइंट। ट्रांसवर्स प्रोसेस लॉन्ग होते हैं और सिलेंडर होते हैं और प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट साइट फॉर एब्डोमिनल वॉल मसल। इंटर वर्टिब्रल डिस्क लंबर रीजन में थिकर होती हैं बनस्पत बाकी रीजन ऑफ द वर्टिब्रा के और ये वेज शेप होती हैं और नॉर्मल पोस्टीरियर कॉनकेविटी देती हैं लॉर्डोसिस इन द कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन द लंबर रीजन। अब हम देखेंगे थोरेसिक केज एनाटॉमी। थोरेसिक केज की डिस्क्राइब हमने की चैप्टर 4 में। कंपोनेंट मोस्ट पर्टिनेंट टू द एब्डोमिनल वॉल इंक्लूड करता है ज़िफोइड प्रोसेस, स्टर्नम, कोस्टल मार्जिन, कोस्टल कार्टिलेज जो हमारे 7 से 10 तक हैं और लोअर रिब्स। हेड 12th रिब का डिफरेंट है फ्रॉम अदर कि ये इसका सिंगल फेसेज होता है फॉर द आर्टिकुलेशन विद द बॉडी ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। एंटीरियर एंड इसका पॉइंटेड होता है और इसकी स्मॉल कोस्टल कार्टिलेज होगी, ठीक है, और ये एम्बेडेड होता है मस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। मैनी पीपल में ये इतना शॉर्ट होता है कि ये प्रोट्रूड नहीं होता बियॉन्ड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल ऑन द बैक। अब हम पेल्विस की बात करेंगे तो ऑस्कॉक्स हिपबोन ये इलियम, स्टम और प्यूबिस की बनती है। मीडियल सरफेस इलियम का डिवाइड होता है टू पार्ट्स में बाय आर्कुएट लाइन, ठीक है, इस लाइन से। इलियक फोसा कनकेव सरफेस होता है अबव द आर्कुएट लाइन और फ्लैटन सरफेस जो कि कंटिन्यूस होता है विद मीडियल सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड इस्टियम लाए बिलो द आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन इलियम की बनाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियोपेक्टिनियल लाइन। इस इलियोपेक्टिनियल लाइन का पोस्टीरियर पार्ट आर्कुएट लाइन बनाती है ऑफ द प्यूबिस। वेयर इज द पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस, ये जो है ये डिमार्क करती है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियोपेक्टिनियल लाइन बनाती है। इलियोपेक्टिनियल लाइन डिमार्केट करती है फाल्स को फ्रॉम ट्रू पेल्विस। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल है जनरल अपीयरेंस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। नॉर्मल हमारी एब्डोमिनल वॉल सॉफ्ट और प्लायबल होती है और ये अंडरगो करती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सक्रूजन रेस्पायरेशन के साथ। कंट्रोल जो है ये सब्जेक्ट होता है टू कंसिडरेबल वेरिएशन और डिपेंड करता है टोन ऑफ इस मसल और अमाउंट ऑफ फैट जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में है। वेल डिवेलप मसल एबंडेंस में और फैट प्रूव करता है सिवियर ऑब्स्टेकल टू पल्पेशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा। अब हम देखेंगे एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। ये हमारी 7 लेयर्स से बनती है, स्किन, सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा, मसल्स, ट्रांसवर्सलिस फेशा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशा एंड पेराइटल पेरिटोनियम। सबसे पहले स्किन देखेंगे। स्किन लूजली अटैच होती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से एक्सेप्ट हमारे अम्बिलाइकस के रीजन पे जहाँ पे ये टेदर होती है स्कार टिश्यू के साथ। नेचुरल लाइन ऑफ क्लीवेज स्किन की कॉन्स्टेंट होती है, रन करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आलमोस्ट हॉरिजॉन्टली अराउंड द ट्रंक। अम्बिलाइकस स्कार है रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड इन फीटस और सिचुएटेड होता है लीनिया एल्बा पर। नर्व सप्लाई देखिए तो कुटेनियस सप्लाई हमारी एंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल को ड्राइव होती है एंटीरियर रेमाए ऑफ लोअर 6 थोरेसिक और फर्स्ट लंबर नर्व। थोरेसिक नर्व जो है वो लोअर 5 इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल नर्व्स हैं। द फर्स्ट लंबर नर्व रिप्रेजेंट होती है बाय इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। डर्माटोम T7 का लोकेटेड होता है एपिगैस्ट्रियम में, हम देख सकते हैं ओवर द ज़िफोइड प्रोसेस। डर्माटोम T10 का अम्बिलाइकस पे और L1 का जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम अगर आर्टरीज देखें तो ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज सप्लाई करेंगी स्किन को नियर द मिड लाइन। ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल
लंबर, डीप सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी सप्लाई करेंगी स्किन ऑफ द फ्लैंक को, इन एडिशन सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल ब्रांचेस जो हैं हमारी फीमोरल आर्टरी की सप्लाई करेंगी स्किन इन द इनगोइनल रीजन को। वेंस देखिए तो वीनस ड्रेनेज फ्रॉम अपर एब्डोमिनल वॉल पास होगी मेनली इनटू द एक्सिलरी वेंस विया लेटरल थोरेसिक वेन, द लोअर एब्डोमिनल वॉल ड्रेन करता है इनटू द फीमोरल वेन विया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड ग्रेट सैफेनस वेन। अब हम देखेंगे सुपरफिशियल फेशिया, तो ये डिवाइड होता है टू लेयर्स में। अ मोर सुपरफिशियल हमारी फैटी लेयर है उसको कैंपर्स फेशिया कह रहे हैं, डीपर मेम्ब्रेनस लेयर स्कारपास फेशिया। फैटी लेयर कंटिन्यूस होगी विद द सुपरफिशियल फेशिया ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी और ये एक्सट्रीमली थिक हो सकता है 3 इंच से ज़्यादा ओबेस पेशेंट में। मेम्ब्रेनस लेयर थिन है और ये फेड आउट हो जाती है लेटरली एंड अबव, जहाँ पे ये कंटिन्यूस होगी विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द बैक एंड द थोरेक्स रिस्पेक्टिवली। इन्फीरियरली देखें तो हाँ यही मेम्ब्रेनस लेयर ग्रीन वाली पास होगी ऑन टू द फ्रंट ऑफ द थाई, जहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगी विद द डीप फेशिया 1 फिंगर ब्रेथ बिलो द इनगोइनल लिगामेंट। तो इसमें देख सकते हैं ये फ्यूज हो चुकी है। इन द मिडल लाइन इन्फीरियरली मेम्ब्रेनस लेयर फेशिया की अटैच नहीं होती प्यूबिस के साथ, लेकिन बनाती है एक ट्यूबुलर शीथ पेनिस या क्लाइटोरिस के लिए। बिलो इन द पेरिनियम ये एंटर करेगी वॉल ऑफ द स्क्रोटम में या लेबिया मेजोरा में, यहाँ से ये पास होगी अटैचमेंट ऑन ईच साइड टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च और वहाँ पे इसको हम कहेंगे कूलीज फेशिया। तो इस फिगर में ये सब क्लियर है। पोस्टीरियरली फ्यूज होगा विद पेरिनियल बॉडी ऑन द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। स्क्रोटम में जो फैटी लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की कैंपियर वाली, वो एज अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल की तरह एग्जिस्ट करेगी, जिसको कहेंगे डार्टोस फेशिया या डार्टोस मसल। मेम्ब्रेनस लेयर सुपरफिशियल फेशिया की जो हमारी ग्रीन कलर वाली ग्रीन थी यहाँ पे पर्पल में शो हुई है, वो एज अ सेपरेट लेयर परसिस्ट करेगी। अब हम देखेंगे डीप फेशिया, तो ये एंट्रोलेटर एब्डोमिनल वॉल में मेयरली थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवरलैप करेगी हमारी मसल्स को, ये इमीजिएटली डीप होगी टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। अब हम देखेंगे एंटेरोलेटर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, ये हाउस करते हैं 3 ब्रॉड थिन और शीट ऑफ मसल जो कि प्रोनाउंस होते हैं लेटरली एंड देन बिकम एपोन्यूरोटिक एंटीरियरली। एक्सटीरियर से देखें यानी सबसे सुपरफिशियल से टू द इंटीरियर डीप वाला, तो सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये एब्डोमिनल इक्विवेलेंट है इंटरकोस्टल मसल से। एडिशनली पेयर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल वाइड वर्टिकल स्ट्रैप है आइदर साइड ऑफ एंटीरियर मिडलाइन के, एज द एपोन्यूरिस इन 3 शीट के पास होगी फॉरवर्ड, ये इनक्लोज करेगी हमारे इस रेक्टस एब्डोमिनस को और रेक्टस शीट बनाएगी। लोअर पार्ट रेक्टस शीट का में स्मॉल मसल पेरिमेडियलिस हो सकता है। सबसे पहले क्लिनिकल है सर्जिकल इंसीजन, अगर पॉसिबल हो तो ऑल सर्जन इंसीजन सर्जिकल इंसीजन मेड होगी इन लाइन ऑफ क्लीवेज में, जहाँ पे बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर पैरेलल हो इन रोज इन थ्रू द डर्मिस। इंसीजन अलोंग द क्लीवेज लाइन हील करेगी नैरो स्कार, जबकि जो क्रॉस करेगी लाइन को वो वाइड हिप टप स्कार देगी। नेक्स्ट क्लिनिकल है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सट्रावाइजेशन ऑफ यूरिन। मेम्ब्रेनस लेयर सुपरफिशियल फेशिया की इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, क्योंकि बिनीथ इट इज़ अ पोटेंशियल क्लोज्ड स्पेस जो कि ओपन नहीं होती इनटू द थाई, लेकिन ये कंटिन्यूस होती है विद द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच विया द पेनिस एंड स्क्रोटम। रप्चर पिनाइल यूरिथ्रा का मे बी फॉलोड बाय एक्सट्रावाइजेशन ऑफ यूरिन इनटू द स्क्रोटम पेरिनियम एंड पेनिस एंड देन अप इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द फेशिया। यूरिन एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द थाई बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द फेशिया टू द फेशियल आर्टा। जब क्लोज करते हैं एब्डोमिनल वूंड्स को सर्जन यूजुअली पुट करता है कंटिन्यूस सूचर यूनाइटिंग द डिवाइडेड मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, ये स्ट्रेंथन करेगा हीलिंग वूंड को और प्रिवेंट करता है स्ट्रेच ऑफ द स्किन स्कार और मेक करेगा मोर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल रिजल्ट। मसल सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक, इसकी ओरिजिन है लोअर 8 रिब्स से, इंसर्ट हो रहा है ज़िफर्ट प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक आर्क एंड इलियक क्रेस्ट। इसको लोअर सेक्स थोरेसिक एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक के लिए इनगोइनल नर्व सप्लाई करेंगे, ये सपोर्ट कर रहा है एब्डोमिनल कंटेंट को, कंप्रेस कर रहा है एब्डोमिनल कंटेंट को, फ्लेक्सिंग में असिस्ट कर रहा है रोटेशन ऑफ ट्रंक को, फोर्स एक्सपायरेशन में, मिक्चुरेशन में, डेफिकेशन, पार्चुरेशन एंड वॉमिटिंग में हेल्प कर रहा है। ये ब्रॉड थिन मस्कुलर शीट है विद मोस्ट ऑफ फाइबर इंसर्टिंग बाय मीन्स ऑफ वाइड एपोन्यूरोसिस।
मोस्ट पोस्टीरियर फाइबर पास होंगे डाउन टू द इलियक क्रेस्ट और पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर बनाएंगे। ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनस में इमीडिएटली अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होगा, इसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहेंगे। और यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड या राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पास होगा एंड टू द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, उसको कैरी करेगा फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द रिंग्स। लोअर बॉर्डर एपोनीरोसिस का फोल्ड होता है बैकवर्ड ऑन इटसेल्फ बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल और बनाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट। लैक्विनल लिगामेंट एक्सटेंड होगा बैकवर्ड एंड अपवर्ड फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट टू द पेक्टिनियल लाइन ऑन द सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, इसका शार्प फ्री क्रिसेंटिक एज बनाएगा मीडियल मार्जिन ऑफ फीमोरल रिंग। ऑन रीचिंग द पेक्टिनियल लाइन हमारा लैक्विनल लिगामेंट कंटिन्यूस होगा विद द थिकनिंग ऑफ द पेरिओस्टियम, जिसको पेक्टिनियल लिगामेंट कहेंगे या कूपर्स लिगामेंट। लेटरल पार्ट पोस्टीरियर एज ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट का ओरिजिन देता है इंटरनल ऑब्लिक को और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को। डीप फेशिया थाई का फेशिया लाटा अटैच होता है इन्फीरियर राउंड बॉर्डर ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये लंबर फेशिया से ओरिजिन ले रहा है इलियक क्रेस्ट लेटरल टू थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। इंसर्ट सेम सिम्फाइसिस प्यूबिस और ज़िफिड फ्लोरा, नर्व सप्लाई भी सेम ही है, फंक्शन भी सेम है। ये थिन ब्रॉड मस्कुलर शीट डीप होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक के, इसके फाइबर रन करते हैं राइट एंगल टू दोज ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेडिएट होंगे जैसे ये पास होंगे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इंटरनल ऑब्लिक की लोअर फ्री बॉर्डर आर्च होगी ओवर द स्पर्मेटिक कॉर्ड या राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पर और फिर ये डिसेंड होगी बिहाइंड टू अटैच टू द प्यूबिक क्रेस्ट नियर हमारी पेक्टिनियल लाइन के। उसकी इंसर्शन के करीब लोवेस्ट टेंडिनस फाइबर ज्वाइन होते हैं बाय सिमिलर फाइबर फ्रॉम हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और कंजॉइंट टेंडन बनाएंगे। कंजॉइंट टेंडन अटैच होता है मीडियली टू द लीनिया एल्बा, लेकिन इसकी लेटरल फ्री बॉर्डर होगी जैसे इस